महाराज साहब मालिक को गाड़ी के ऊपर सवालात उठा रहे हैं, वो गाड़ी मैंने खुद उसको दी है, क्योंकि वो एक गरीब तबके से ताल्लुक रखता है और हर नौजवान और हर बुजुर्ग हर इंसान का वो सोचता है, इसलिए मैंने उसको वो अपने इससे गाड़ी उसको बिल्कुल गिफ्ट की है। जिस इंसान को भी ये जानना होगा कि ये गाड़ी किसकी है क्या है, वो मुझसे बात करें। वो मैंने दी है गाड़ी, गाड़ी के ऊपर उसके ऊपर कोई सवालात नहीं उठाए जाए, पैसे भी दे देंगे, उसके साथ पूरी मदद करेंगे जो भी उसको लगेगा, क्योंकि ये जितने भी बड़े बड़े इस वक्त इलेक्शन में उठे हैं ये सब पैसे वाले हैं, इनके पास सब दो नंबर का पैसा है, उसके पास कुछ नहीं, वो एक गरीब का बेटा है, उसके पास सिर्फ चलने के सिवाय कुछ नहीं है, पैदल चलने के बगैर उसके पास कुछ नहीं है। आप पूरी आवाम को उसकी मदद करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, इस वक्त सियासी माहौल जम्मू कश्मीर के गलियारों में गर्म है और सियासतदान जो है अपने अपने प्रोग्राम रैलीज के साथ साथ हर इलाके के अंदर जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, आप बखूबी देखते हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए खिताई चिनाब की, अगर मैं बात करूँ तो खिताई चिनाब में सियासतदान जो है अपने अपने किस्मत आजमा रहे हैं, और वहीं अगर मैं खिताई चिनाब के डोडा ईस्ट से शुरू करूं तो डोडा ईस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी का मुकाबला चल रहा है। वहीं अगर हम भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला काफी जोरों में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम जो है किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और पीडीपी का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इंद्रवाल की अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट कांग्रेस मुकाबला देखने को मिल रहा है, और वही हम बात करें पाडर की तो बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला जो है काफी जोरों में देखने को मिल रहा है। नाज़रीन किराम, अगर डोडा वेस्ट की बात करें तो वहां पर बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम डोडा की बात करें तो डोडा में मुकाबले में काफी मजबूत खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खालिद सोहरावर्दी साहब हैं, अगर डीपीएपी की बात करें तो मुजीद वानी साहब हैं, आम आदमी की बात करें तो महराज मलिक है, कांग्रेस की बात करें तो रियाज साहब है। लेकिन अगर देखा जाए तो सवालात आज ओपोजिशन सबसे ज्यादा सवालात महराज दिन मलिक जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं उन पे उठाए जा रहे हैं। बहरहाल इस सब पर मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त तहसील कारा से ताल्लुक रखने वाले एक जानी मानी शख्सियत और पेशे से कॉन्ट्रेक्टर जावेद साहब मागरे जुड़े हुए हैं। ये अपने तासुरात महराज मलिक के हवाले से आम लोगों के सामने, व्यूअर्स के सामने रखना चाहते हैं और कहा कि आम के सामने रखना चाहते हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर ये क्या कुछ कहेंगे। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपकी चैनल का। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ क्या कुछ तासुरात जो है आप महराज दिन मलिक के हवाले से रखना चाहते हैं। महराज दिन मलिक एक नौजवान युवा है और उसको हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारी आवाम या क्या कहते हैं जितनी भी हमारे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर जितने भी सवाल उसके ऊपर उठाए जा रहे हैं वो सब बेबुनियाद और गलत हैं। पहले हर सवाल का इंसान को तहकीकात करनी चाहिए कि ये सवालात जायज है कि नाजायज है। बात रही बात जो महराज साहब मालिक को गाड़ी के ऊपर सवालात उठा रहे हैं, वो गाड़ी मैंने खुद उसको दी है, क्योंकि वो एक गरीब तबके से ताल्लुक रखता है और हर नौजवान और हर बुजुर्ग हर इंसान का वो सोचता है, इसलिए मैंने उसको वो अपने इससे गाड़ी उसको बिल्कुल गिफ्ट की है। जिस इंसान को भी ये जानना होगा कि ये गाड़ी किसकी है क्या है, वो मुझसे बात करें। वो मैंने दी है गाड़ी, गाड़ी के ऊपर उसके ऊपर कोई सवालात नहीं उठाए जाए, क्योंकि वो हर इंसान का सोचता है और हर इंसान के आगे होता है। वो नौजवान है और हम सब उसको सपोर्ट इस वक्त कर रहे हैं महराज दिन मलिक साहब को। जी, आप जावेद साहब, आप फॉर्चुनर की बात कर रहे हैं, फॉर्चुनर पे जो है काफी सवालात उठाए जा रहे हैं कि फॉर्चुनर किसी कॉन्ट्रेक्टर ने रिश्वत में दी है उसको, ये कहां से लाई उसने, आप उसकी बात कर रहे हैं। तो आज मैं आप पहली बार मैं देख रहा हूं आपको मीडिया के सामने आना पड़ा, तो क्या लग रहा है आपको, कैसा आपको ये महसूस हो रहा है इसमें? ये तो सब लोग मुझे जानते हैं, मैं ना किसी को रिश्वत देता हूं, ना रिश्वत देके कोई काम कराता हूं, ना मैंने जिंदगी में कभी रिश्वत देके काम कराए हैं।
ये मेरा एक जिंदगी का उसूल है, ना हम देते हैं किसी को रिश्वत, ना हम किसी से लेते हैं कुछ। मैंने बिल्कुल अपनी खुशी से उसको गाड़ी गिफ्ट की है, अपनी खुशी से उसको, उसके पास गाड़ियां नहीं थी, मैंने उसको अपनी गाड़ी उठाकर दी, मैंने कहा ले जा मेरी गाड़ी को, जा उठा उठो आप। बाकी जो भी उसके साथ सवालात करता है वो मुझसे पहले बात करे कि ये गाड़ी क्यों आपने दी, मैं उसको खुद बताऊंगा कि मैंने क्यों दी है। लोगों के कहने से नहीं होता है, अगर कोई इंसान किसी की मदद करता वो दिल से करता, वो ऐसे नहीं करता कि वो लालच, अपने लालच से। हमने उससे क्या लेना था, हमने उसको अपनी तरफ से गिफ्ट की है वो गाड़ी। ये लोगों के बिल्कुल गलत ख्याल है कि उसको ऐसे बदनाम कर रहे हैं, ये लोगों की साजिश से उसको बदनाम करने की। जी जावेद साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, एक सवाल है मेरे दिमाग में कि बहुत सारे और भी सियासतदान थे, लेकिन आपने महराज को ही सपोर्ट क्यों किया, क्या लगा उसमें आपको? वो एक नौजवान युवा है, वो इस वक्त हमने हमारी तासीर मतलब पूरे भरेसा से वही एक लड़का है जिसको हम अच्छी तरह जानते हैं, वो कभी गलत किसी इंसान के साथ करता नहीं है, वो अच्छा है, इसलिए हमने उसको सपोर्ट की है और पूरे तहदिल से हम उसको सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि मुंह से बोलेंगे, पूरे तहदिल से उसके साथ हैं हम। जितने भी हमारे नौजवान इस वक्त हैं वो सब उसके साथ हैं, नौजवान बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं, हमारे माताएं बहनें जो भी हैं, वो सब उसके साथ हैं इस वक्त, पूरे सपोर्ट में, मालो जान के साथ हैं। मतलब हम उसको पैसे भी दे देंगे, उसके साथ पूरी मदद करेंगे जो भी उसको लगेगा, क्योंकि ये जितने भी बड़े बड़े इस वक्त इलेक्शन में उठे हैं ये सब पैसे वाले हैं, इनके पास सब दो नंबर का पैसा है, उसके पास कुछ नहीं, वो एक गरीब का बेटा है, उसके पास सिर्फ चलने के सिवाय कुछ नहीं है, पैदल चलने के बगैर उसके पास कुछ नहीं है। आप पूरी आवाम को उसकी मदद करनी चाहिए। जावेद साहब, आखिर पे आप तमाम डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाम के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है, पूरी महराजुद्दीन मलिक की मदद करें और उसको सपोर्ट करें और उसको वोट दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सदाद किराम, ये हमारे साथ कहरा से ताल्लुक रखने वाले एक जानी मानी हस्ती जो है, कॉन्ट्रैक्ट पेशे से कॉन्ट्रैक्टर है, जावेद साहब बागरे, जिन्होंने आपने इनकी जबानी सुना कि फार्चुनर को लेके पहला सवाल हमने, जब फार्चुनर महराजुद्दीन मलिक के पास आई थी तो हमने सवाल किया था उससे कि फार्चुनर आपके पास कहां से आई, और उसका जवाब उन्होंने वहीं पे दिया था। बहरहाल नाज़रीन किराम, जब ये सवाल बढ़ता गया, ये फैलता गया, हर जगह उससे ये सवाल पूछे जाने लगे फार्चुनर को लेके, तो आज जो है हमारे साथ रابطہ जावेद साहब मागरे ने किया, इन्होंने कहा कि मैं फार्चुनर के हवाले से जिन लोगों के अंदर कंफ्यूजन है, जिन लोगों के अंदर जो है इस चीज का शक है, मैं शक दूर करना चाहता हूं, और आज ये बराह रास्त आपके सामने आया, और पहली बार इन्होंने मीडिया के सामने आज ये पहली बार जो है मीडिया के सामने आए और महराज मलिक के तासुरात के हवाले से तासुरात आपके सामने रखे, और इनका कहना है कि महराज मलिक को जो फॉर्चुनल गिफ्ट दी है वो मैंने दी है, वो इसलिए दी है कि वो एक गरीब तबके से ताल्लुक रखता है, गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है, और वो नौजवानों की, बुजुर्गों की और मजलूम की आवाज उठाता है, और हम उसके साथ दिलो जान से है, ये इनका कहना है। बहरहाल नाज़रीन किराम, अगर मैं आपको बताऊं जिस तरह से हम सर्वे में है, हमारी टीम पूरी चुनाव टाइम की टीम हर पार्टी के प्रोग्राम्स को कवर करती है, हर पार्टी के रैलीज को कवर करती है, कहां पे प्रोग्राम हो रहे हैं। अगर मैं डोडा ईस्ट से ही बात करूं तो डोडा ईस्ट में तमाम लीडर जो है उनके साथ भी लोग काफी जुड़े हुए होते हैं, लेकिन अगर मैं इस वक्त लीडिंग की बात करूं तो महराजुद्दीन मलिक काफी आगे है डोडा ईस्ट। अगर भद्रवाह की मैं बात करूं तो भद्रवाह में जिस तरह से कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन वहां पर दिलीप सिंह परिहार जो है काफी आगे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं डोडा वेस्ट की बात करूं तो वहां मुकाबला शक्तिराज परिहार और कांग्रेस के कैंडिडेट जो है प्रदीप भगत जो है, वहां उनके बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं पलड़ा जो है शक्ति परिहार का भारी देखने को मिल रहा है। अगर वही हम जो है किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ के अंदर बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पलड़ा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारी देखने को मिल रहा है। अगर वही इंद्रवाल की बात करें तो वहां पर जो है जीएम सुरूड़ी प्यारे लाल और कांग्रेस के कैंडिडेट जो है शेख जफरुल्ला, वहां पर जो है काफी मेहनत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी उनका पीछा बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही है। अगर वही हम पार्टी की बात करें तो वहां का मुकाबला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और
बीजेपी के बीच में देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इस वक्त अगर देखा जाए तो बीजेपी का पलड़ा वहां पर भारी देखने को मिल रहा है। वाराणसी के राम इस वक्त जो है प्रधानमंत्री डोडा में आज आने वाले हैं, वो वहां पर जो है खिताब करेंगे और उसके बाद वही जो है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है अमित शाह किश्तवाड़ में खिताब करेंगे, जो है किश्तवाड़ में आने वाले हैं। उसके साथ साथ तमाम आपने देखा कि कल जो है इमरान प्रताप गढ़ी साहब कांग्रेस की जो है कांग्रेस के एक बहुत बड़े चेहरे हैं, वो उन्होंने कहरा में खिताब किया। उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला मियां अल्ताफ ने भी उससे पहले कहरा में खिताब किया और आने वाले वक्त में और भी जो है दूसरी पार्टियों के चेहरे भी देखने को मिलेंगे। जो स्टार कंपेनर है वो खिताए चनाब के, और मैं खास करके तहसील कहरा की बात करूं तो कहरा जो है एक पॉलिटिकल हब बना है, सियासतदानों का हब बन रहा है। बहरहाल आने वाले वक्त में क्या कुछ तब्दीलियां मिलेंगी, कौन जीतेगा ये फैसला जनता करेगी, कौन आगे बढ़ेगा वो फैसला जनता करेगी, किसके जो है सर पे सहरा जनता पहनाएगी वो अवाम का फैसला होगा, वो अवाम का वोट होगा। लेकिन अवाम को आज अपनी तरक्की के हवाले से, अपने फ्यूचर के हवाले से, अपने जो है बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से, अपने इलाके की डेवलपमेंट के हवाले से वोट करना चाहे और बिना डर के, बिना मजहब व मिल्लत के वोट करना चाहे, क्योंकि वोट ही एक ऐसी ताकत है जो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को बदल सकता है, जो मुल्क में तब्दीली ला सकता है। बहरहाल नाज़रीन, इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफ़िज़।